बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा उपास बॉयज सेकेंडरी स्कूल। आवर प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम क्लास प्रेप 6 में लेक्चर नंबर 13 है आज हमारा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बुक में से मल्टीपल्स और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। आज लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को किस तरीके से डिफरेंट मेथड से फाइंड किया जा सकता है हम वो देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 2.3, क्वेश्चन नंबर है 2, बुक का पेज नंबर 60। वहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम की फुल फॉर्म लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसके फर्स्ट पार्ट में हमें 8 और 12 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे स्मॉलेस्ट 8 और 12 का मल्टीपल होगा वो हमें यहां पर मालूम करना है। सबसे पहले जिस तरीके से आपको याद होगा हमने एचसीएफ मालूम करा था 2.2 में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड थे, बाय कॉमन फैक्टर मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। सेम इसी तरीके से एलसीएफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड है। हम यहां पर भी फर्स्ट पार्ट को 3 मेथड्स से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 पार्ट्स है, उनको तीनों मेथड से सॉल्व किया जाएगा। आज फर्स्ट पार्ट मैं समझा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप करेंगे, थर्ड पार्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 और 12 में हमें क्या मालूम करने हैं, क्या मालूम करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है। हम पहले बाय मल्टीपल मेथड इसको सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीपल मेथड में आपको मालूम है हम क्या कर रहे होते हैं, टेबल रीड करते हैं जिस नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल 8 है तो 8 का हम टेबल रीड करना स्टार्ट करेंगे। 8 बाय 4 8, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा 8 का, 8 होगा। 8 बाय 4 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48। और मल्टीपल्स क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, लाजवाब होते हैं, तो हम 5 6 और मैक्सिमम 10 तक रीच करके उसको स्टॉप कर देंगे। जैसे यहां पर मैंने 48 पर आके स्टॉप कर दिया, यानी 8 का टेबल 6 तक रीड करा, यानी यहां पर 6 मल्टीपल्स लिखे रहे इसके 8 के। उसके बाद मैंने 12 का मल्टीपल, 12 का टेबल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 12 वन्स आर 12, 12 टूज आर 24, 12 थ्रीज आर 36, 12 फोर्स आर 48 एंड 12 फाइव्स आर 16। इसी तरीके से मल्टीपल्स क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, डॉटेड ये जो डॉट लगे हैं ये बता रहे हैं कि आगे कंटिन्यू है। अब कंटिन्यू हम कहां तक जाएंगे तो हमारी पूरी टॉपिक फेल हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 6 मल्टीपल्स लेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है लीस्ट, हमें हाईएस्ट पे नहीं जाना, हमें लीस्ट पे जाना है, क्योंकि हाईएस्ट को हम बता नहीं सकते ना, तो अनलिमिटेड होगा, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें मालूम करना है लीस्ट जो सबसे स्मॉल है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कॉमन मल्टीपल्स हमें कौन कौन सा मिला, जैसे 24 इसके पास नहीं आया, बस इसके बाद भी 24 आया, हमने इन दोनों को राउंड कर लिया, तो कॉमन मल्टीपल्स ने बताया 24 एक कॉमन है और एक हमें 48 कॉमन मिल गया, ठीक है। अब इनमें हम चेक कर लें जो 24 और 48 लिखा हुआ है जो सबसे लीस्ट है वो कौन सा है, 24 है, हमने बता दिया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आ गया हमारे पास कितना 24 आ गया। इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर मालूम कर लिया कि 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा बाय मल्टीपल मेथड। अब एलसीएम मालूम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में
जिस तरीके से आपने याद होगा एचसीएल जब हम मालूम कर रहे थे और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था, वहां भी हम क्या करते थे, जो नंबर्स गिवन होते थे क्वेश्चन में उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहां भी वही काम करके, क्योंकि मेथड का नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए आपने गिवन नंबर्स के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। जो नंबर आपको दिए गए हैं जैसे 8 और 12, इनके फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल करके, जैसे प्राइम नंबर्स का बस 2, 3, 5 प्राइम नंबर्स हमें मालूम है, हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर वो हम ऐसे बता सकते हैं जो 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो हमने 8 के फैक्टर्स बनाना शुरू करे 2 से, और 8 क्योंकि 2 से सॉल्व भी हो सकता है, 2 4 8, देन 2 से सॉल्व करा 2, देन 2 से सॉल्व करा 1, 1 का क्या सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से 1 बॉक्स का स्पेस देकर आगे हम 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 भी क्योंकि एक इवन नंबर है, 12 के हमारे पास इवन नंबर है, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 6 12, ठीक है, देन अगेन 6 के फैक्टर बना रहे हैं तो 6 भी 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 3 6, ये भी सॉल्व हो गया, देन 3 आ गया, अब 3 से 3 से सॉल्व हो गया, तो 1 आ गया। यहां तक तो जो काम हमने एचसीएल में करा था वही काम करा है। 8 के भी फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 8 के फैक्टर्स ये रहे 2 2 2, हमने 8 के फैक्टर्स बता दिए, 8 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2। इसी तरीके से 12 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 2 3, तो ये आ गया 2 × 2 × 3। यहां तक इस स्टेप तक जो काम एचसीएल में करा था वही काम कर रहे हैं। आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके सिर के फैक्टर्स आपने लिखेंगे। वहां पर हमने कॉमन फैक्टर्स को सिर्फ पिक करा था, मतलब सिर्फ वहां से क्वेश्चन में से सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को उठाया था। यहां देखिए जब एलसीएम मालूम कर रहे हैं, हमने कहा ये 2 और इसके पास ये 2, यानी 8 का जो फर्स्ट फैक्टर है 2, ये और ये, इन दोनों का पेयर चला तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहां पर 1 और यहां पर 1, इन दोनों का एक पेयर आ गया, ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये जो कॉमन होगा उसको 1 टाइम निकल जाएगा, ये भी कॉमन है इसको भी 1 टाइम निकल जाएगा। अब यहां पर हमारे पास जो रिमेनिंग है जैसे 2 और 3, ये भी आ जाएंगे यहां पर, जैसे 2 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। जो कॉमन होगा जो एक जैसे होंगे उनको 1/2 निकल जाएगा, ये दोनों एक जैसे थे इनको 1/2 निकल गया, और जो बाकी रह जाएंगे वो भी एज इट इज नीचे, यानी (2, 3) एज इट इज नीचे आ गया, सही। अब जब इसका एलसीएम मालूम करेंगे तो हम कहेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, हमारे पास आगे बढ़े, ठीक है। अगेन देखें 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, ये आ गया आपके पास 24। तो हमने बता दिया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 24 आ गया, सही। अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। एलसीएम को डिवीजन मेथड से मालूम करेंगे, थर्ड मेथड है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। जब डिवीजन मेथड्स पे मालूम करेंगे तो जो गिवन नंबर्स हैं क्वेश्चन में जैसे 8 और 12 उनकी एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां पर हमने अलग अलग करी थी, यहां पर 8 अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, 12 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, यहां पर 8 और 12 की एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे हमने एक ही साथ लिख दिया 8 और 12 को, अब 8 और 12 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 2, तो 2 से स्टार्ट किया हमने, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स कॉमा आ गया, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स। अब 4 और 6 को सॉल्व करना है, दोनों 2 के टेबल से हो सकते हैं, अगेन हमने 2 पे करा, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6। अब 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते, हम कहेंगे पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं,
और बाद में थ्री को सॉल्व करेंगे। तो पहले टू को सॉल्व करना है, टू को पिक करा, टू वन जार टू कॉमा आ गया, ये थ्री इस टू से सॉल्व नहीं हो सकता, इस थ्री को एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। उसके बाद क्योंकि ये वाली साइड, ये एट वाली साइड वन पर आके स्टॉप हो चुकी है, अब सिर्फ ये थ्री इसलिए आया, इस थ्री को सॉल्व कर लेंगे। ये वन एज इट इज यहाँ पर आ गया, थ्री के डिफरेंस में थ्री किससे आएगा, वन से, ये वन आ गया। इसका मतलब ये दोनों एट के फैक्टर्स भी वन पे आ चुके हैं, ट्वेल्व के फैक्टर्स भी वन पे आ गए, तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जब तक ये दोनों वन पे ना वन बनना आ जाए, या तीनों तो तीनों वन बनना आ जाए, तब तक स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक कंटिन्यू चलेगा। अब हम देख सकते हैं कि टू 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 थ्री ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, इसके अब ये जो फैक्टर्स कराएंगे ये एट के भी हैं और ट्वेल्व के भी हैं। हमने एक साथ देख दिया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, वो बनेगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, थ्री टाइम्स है, वन टू थ्री, तीन बार दफा टू है, तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, देन थ्री है मल्टीप्लाई थ्री। अब इसको दोबारा से करेंगे, टू मल्टीप्लाई टू फोर, फोर मल्टीप्लाई टू एट, एट मल्टीप्लाई थ्री ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर आ गया। ठीक है, अब आपका होम टास्क ये है, आपने क्वेश्चन नंबर टू करना है, क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट करना है बाय मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को अच्छे से एक से दो मरतबा इस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को रफ में सॉल्व करिएगा, सेकंड पार्ट को जिनके पास एक मरतबा रफ में सॉल्व करिएगा, और फिर उसके बाद फेयर कॉपी में ये वर्किंग करिएगा। ठीक है, तो अपने पास होम टास्क नोट कर ले। एक्सरसाइज नंबर 2/3 क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, इसको नोट कर ले अपने पास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा, और उस थर्ड पार्ट को भी हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय मल्टीपल मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। ठीक इसी तरीके से इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट्स यानी 1, 2, 3 तीनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है वो हम ओनली डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।